स्टाफ डेस्क के सीरियल नजर में मोहिना अंगद की मौत का बदला लेने के लिए पूरे राठौर फैमिली को जान से मारना चाहती है और इसके लिए वो लेकर आई है जादुई रॉकेट लॉन्चर। अंश को जब मोहिना के इरादे के बारे में पता चलता है तो वो मोहिना को समझाने आता है, पर वो खुद भी मोहिना के मायाजाल में फंस जाता है। अंश मोहिना के मायाजाल से निकलने के लिए काफी कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता और इसीलिए वो मरकर मोहिना के मायाजाल से निकलने की कोशिश करता है। अब देखना होगा कि कहानी में अब नया कौन सा ट्विस्ट आता है। बिल्कुल सूद के साथ सूद समेत वापस कर लेना है मुझे, क्योंकि उसने इन लोगों ने जो भी मेरे साथ किया है वो मतलब अनबिलीवेबल था मेरे लिए। मैं पहली बार अच्छी बनने की कोशिश कर रही थी और सुधरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन्होंने मेरे अंगद को मुझसे छीन लिया है, तो इसका हर्जाना तो देना ही होगा और बहुत भयंकर देना होगा। इस बार मैंने कमान से तीर तो छोड़ दिया है, जो अंश को लगता है कि मैंने उसके लिए जाल बिछाया है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं, क्योंकि मेरे लिए मेरा प्यार बहुत ही कीमती और बहुत ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था, तो अभी उसके लाइफ में जो सबसे कीमती है, सबसे प्यारी है परी, मैं उसके लिए तीर छोड़ चुकी हूँ। अभी इतना मेहनत करके एक बाप जा रहा है, इतना मतलब उसको पता है कि यहाँ से वापस जाना मुश्किल है क्योंकि पाताल झील है, तो फिर भी वो अपनी बेटी के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है और वो जा भी रहा है, तो इसका अंजाम तो अच्छा ही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो खुद ही सरेंडर हो गया है, उसको पता है कि मैं मर जाऊँगा, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मेरे फैमिली बच जाए, बस सब सही से रहे, यही सैक्रिफाइस वो कर रहा था, लेकिन मैं उससे भी उसकी माँ हूँ आफ्टर ऑल, उससे ज़्यादा शानी हूँ, तो मैं कैसे उसको इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूँ। मैं जितना तकलीफ़ मुझे मिल रहा है अंगद के बिना, उतना उससे ज़्यादा तकलीफ़ उसको होगी जब परी नहीं रहेगी। नहीं, पहले तो अभी परी जाएगी, फिर देखेंगे। करेक्ट, उन्होंने मतलब एक ऐसी चाल चल दी जिसके बारे में हमें किसी को अंदाज़ा ही नहीं था, ना मुझे अंदाज़ा था। मुझे तो यही लग रहा था कि वो चाहती है कि मैंने अंगद को मारा है तो मैं ही आके अपनी जान दे दूँ या वो मेरी जान ले ले, और इस वजह से मैंने पूरे घर को एक तरफ करके उन सबको छोड़ कर मैं यहाँ पर आ गया। बट जब यहाँ आया तब पता चला कि चाल तो कुछ और ही है, मुझे तो सिर्फ उस चाल में फंसा गया है और मैं उस चाल का शिकार बन गया हूँ। और एक्चुअल में वो चाहती है कि वो परी को मार दे, जो कि मेरी बेटी है, जो मेरे जिगर का टुकड़ा है। होपफुली आगे चलकर पूरा परिवार जो है वो इसमें मेरा साथ देगा, मेरी पिया जो है, मेरी ससुर जी जो है, सब मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा निकालेंगे जिससे शायद परी बच जाए। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि मोहना जो है वो हर वक्त मौत से उठकर आती है, वो हमेशा ऑड को हरा कर इवन हो जाती है, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा और वापस वो लौटेगी फॉर श्योर।